म्यूजिक गुड, म्यूजिक इज गुड। ये भी अच्छा लग रहा है। वेट, कौन सिंह का स्वैग ही अलग है। तो हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो भोजपुरी के सबसे ज्यादा एंटी रहने वाला खेसारी लाल यादव एंड पवन सिंह का कल 17 तारीख को दोनों का सॉन्ग होने वाला है। और इसका कहानी क्या है, आज लगभग 9 या 10 बजे खेसारी लाल का सॉन्ग आने वाला का टीजर डाल दिया कि 17 तारीख को 7 बजे लगभग आने वाला है, ऐसा टीजर डाल दिया। तो 2-3 घंटा 4 घंटा बाद पवन सिंह का बहुत दिन से अनाउंस हुआ, मतलब कह आने वाला पता नहीं था, पर उस 3 घंटा बाद में 17 तारीख को ये भी आएंगे 6:30 बजे टीजर डाल दिया। मतलब दोनों एकदम टकराने वाला है कल। तो ये दोनों का टीजर है ना, तो कैसा क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं। और किसका टीजर अच्छा लग रहा है वो भी देखते हैं। और एक है देवल भाईल दतार खेसारी लाल का सॉन्ग, इसमें खेसारी लाल खुद गया है। उसके बाद में एक है अशोक के दलाल का पवन सिंह का सॉन्ग, उसमें पवन सिंह खुद गया है। और इसमें जो खेसारी लाल का सॉन्ग है ना देवर भाई दताल, इसमें खेसारी लाल एंड सिल्फी रंगवानी एक्टिंग करने वाला है। और उसमें पवन सिंह में पवन सिंह एंड डिंपल सिंह एक्टिंग करने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं दोनों में कैसा है, क्या फ़र्क है। दोनों का तो मस्ट एंटी होने वाला है। तो एंटी होने से हमको अच्छा लगता है कि दोनों का अच्छा अच्छा सॉन्ग मिले, देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों पहले खेसारी लाल का सॉन्ग आया तो खेसारी लाल का सॉन्ग को प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब टीजर का, उसके बाद में पवन सिंह का। तो स्टार्ट यही है सेल्फी कमाने। ओके, म्यूजिक अच्छा है। देवरा भाईल दतार, म्यूजिक गुड, म्यूजिक इज गुड, अच्छा है। 17 फरवरी 7 बजे आने वाला है। ओके, अरे पूरा इंडिया हिल बाबू, खाली तू देखो तो जा। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा लगा। देखो इसका म्यूजिक मुझे अच्छा लगा, रोशन सिंह का म्यूजिक है। और जो लुक है खेसारी लाल का भाई अच्छा लग रहा है, ओके गुड लग रहा है। और सेल्फी लग माने ठीक ही लग रहा है। तो ये देख कर लग रहा है कि अच्छा होने वाला है, लोग भी पसंद कर रहा है खूब, अच्छा से इसका व्यू भी आया है। तो अब चलते हैं पवन सिंह का सॉन्ग देखने कि वो कैसा बनाया है पावर स्टार पवन सिंह। स्टार्ट DRS म्यूजिक में आने वाला। ओके, अशोक के दलाल का, ओहो डिंपल सिंह, ओके पावर स्टार पवन सिंह, होली है प्रियांशु सिंह के म्यूजिक। ये भी अच्छा लग रहा है। वेट, पवन सिंह का स्वैग ही अलग है। ये 36 को आने वाला है 17 फरवरी के। ओके, तो देखा कैसा लगा आप लोगों को। देखो मैं बोलूंगा तो दोनों का कड़ा का टक्कर है। आप लोगों को कौन अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग ये पवन सिंह का टीजर का सॉन्ग का जो टीज किया है वो अच्छा लगा कि खेसारी लाल का अच्छा लगा। मुझे बोलोगे तो पवन सिंह का तो अच्छा है, मतलब देख कर लग रहा है कि पूरा होली का वाइब है, पर उससे थोड़ा हटकर है खेसारी लाल का। उसका लुक में काम किया है, उसका म्यूजिक, रोशन सिंह का म्यूजिक अच्छा है पवन सिंह में, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक ठीक ही है। अब सॉन्ग कैसा दोनों को होता है वो बहुत अच्छा बात है, देखने को मिलेगा वो अच्छा बात है। और पवन सिंह कुछ भी बोलो भाई, पवन सिंह का जो स्टाइल है ना, जो स्वैग है ना, वो खेसारी लाल कभी मिट नहीं कर पाएगा। और खेसारी लाल का जो एक्टिंग है ना, जो डांस है ना, पवन सिंह कभी मिट नहीं कर पाएगा, कभी भी उसका मतलब पीछा नहीं कर पाएगा। तो दोनों का एक अलग अलग अपना अपना भाव है, पर इसमें ट्रिंपल सिंह होने वाला है पवन सिंह के साथ, जो अच्छा है उसका। और खेसारी लाल में सिल्फी रगवानी जो मतलब उतना नहीं जाना हो, तो आप लोग बताइए कमेंट में दोनों का सॉन्ग कर आने वाला है, किसका सॉन्ग का ज़्यादा व्यू जाएगा। और मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मुझे लगता है, मैं कुछ भी बोलो, पवन सिंह का व्यू ज़्यादा जाएगा मुझे लगता है। अब कल पता चलता है कि किसका व्यू कितना जाता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप लोग क्या क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो सब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से मेरे कमेंट कर दीजिए। और कल सॉन्ग दोनों सॉन्ग का रिएक्शन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मैं बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही फास्ट उसको रिएक्शन करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।